सर यहाँ मैं आया हूँ मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, जो कि दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को पारित किया गया था, जिसमें मुझे कोर्ट ने एडिशनल स्पेशल रिसीवर अपॉइंट किया था। और ये आदेश दिया था कि जहाँ कहीं भी ग्वालियर शहर में बिस्लरी की बॉटल्स नकली बन रही हैं, उनको सील किया जाए, जब्त किया जाए। तो उसी आधार पर मैं यहाँ आज एक फैक्ट्री पर आया हूँ, जो कि विनय नगर के सेक्टर 3 में है। और वहाँ मैंने कुछ बॉटल्स और कुछ खाली बॉटल्स और रैपर्स और उनके ढक्कन जो हैं वो जब्त किए हैं। कितनी मात्रा में यहाँ बोतलें जब्त हुई हैं और कीमत कितनी, और कुछ ये मशीनें भी जब्त हुई? करीब करीब 3 से 4 हज़ार बॉटल्स हैं, जिनकी कीमत बाजारू मूल्य इनका करीब 3 से 4 लाख रुपए रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान है, मशीनें जी, लगी हुई, उनकी कीमत कितनी होगी? यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी लगी है, इसका बाजारू मूल्य आज के वक्त में 1 करोड़ रुपए है। जी, ग्वालियर में और किन किन जगह इस तरीके का काम हो रहा है जहाँ आपको इसकी खबर मिली जा इससे रही है? पहले भी हमने पिछले महीने में 18 अक्टूबर को अजयपुर पंचायत में एक छोटू जैन है, उनके यहाँ पर भी इस तरीके की कार्रवाई की हुई है, वहाँ पर भी माल जब्त किया हुआ है। और भी कुछ जगह हैं जिनकी जानकारी मिली है, जहाँ इस प्रकार की बिस्लरी की नकली बॉटल्स बनाई जा रही हैं। ये यहाँ जानकारी आपने क्या लिया कि ये फैक्ट्री है कौन है? ये जानकारी है मुंबई हाई कोर्ट को यहाँ से ही पता पड़ी थी कि यहाँ एक आदमी बीमार पड़ा था अगस्त माह में बिस्लरी का पानी पीकर, जिसकी कंप्लेंट उसने बिस्लरी कंपनी में की थी, जिसके आधार पर बिस्लरी कंपनी को पता पड़ा कि ये बॉटल जो हैं बिस्लरी के नाम से नकली बन रही हैं ग्वालियर में, जिसके आधार पर उन्होंने आवेदन दिया था मुंबई हाई कोर्ट में कि इस प्रकार की जो नकली बॉटल्स बन रही है उन्हें जब्त किया जाए और जो नकली बॉटल बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके आधार पर मुंबई हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया और इसमें मुझे एडिशनल स्पेशल रिसीवर अपॉइंट किया, ताकि मैं उनके लिए ये कार्रवाई कर सकूं, इस तरीके की बॉटल जब्त और सील कर सके। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश है क्योंकि ग्वालियर पुलिस का अफसर यहाँ दिखाई क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने केवल एडिक्वेट पुलिस सपोर्ट के लिए कहा कि साहब को इन्फॉर्मेशन दी गई है, एसपी साहब ने ही भोड़ापुर थाने को इन्फॉर्म किया है। ये जो कार्रवाई है पुलिस बल के और सपोर्ट के साथ ही हो रही है, उनकी पूरी जानकारी में है। पर ऐसा कोई काम, क्योंकि जिसके बल हमें का पूरी तो शांतिपूर्ण कार्रवाई, कोई उपद्रव उसका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।